नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। 19 नवंबर दिन रविवार। इस दिन और इस तारीख को शायद ही कोई भी भारतीय अपने जहन से कभी भी निकाल पाएगा। ये वो दिन था जब करोड़ों भारतीय लोगों के अरमानों और उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से 6 विकेट से हार गई। बता दें, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मिली इस शिशक्त पर सियासत शुरू हो गई है। पहले संजय राउत और अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज भरे लहजे में इस पर बड़ा बयान दिया है। इटावा में पीडीए साइकिल यात्रा के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाने वाला मुकाबला गुजरात की जगह लखनऊ में होता तो टीम इंडिया हर हाल में फतेह हासिल करती। वहीं भारतीय टीम को भगवान विष्णु और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद मिलता। अखिलेश यादव ने स्टेडियम के नाम पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि पहले लखनऊ के स्टेडियम का नाम इकाना था, जो कि भगवान विष्णु का नाम है। इसके बाद बीजेपी ने इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया। ऐसे में अगर फाइनल मैच लखनऊ के स्टेडियम में होता तो भगवान विष्णु के साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद भी मिलता और इंडिया फाइनल मैच जीत जाती। अब सुनने में ये आ रहा है कि वहां की पिच गड़बड़ थी। इसके अलावा अखिलेश सोशल मीडिया पर भी भड़ास निकालते हैं। बता देते हैं, उन्होंने फाइनल मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव को आमंत्रित न करने पर भी सवाल उठाए। एक्स पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में खिलाड़ियों के साथ अपमानजनक व्यवहार सिर्फ महिला कबड्डी खिलाड़ियों के साथ ही नहीं हो रहा है, बल्कि अब क्रिकेट के खिलाड़ियों के साथ ही दुर्व्यवहार हो रहा है। उन्होंने कहा कि कपिल देव ने भारत को पहला वर्ल्ड कप जिताया था, वो देश के आदर्श हैं, लेकिन फाइनल मैच में उन्हें ना बुलाना उनका अपमान करना है, जिससे हर खेल प्रेमी दुखी है। वहीं अखिलेश ने अपनी पोस्ट में बीजेपी पर खेलों में राजनीति करने का आरोप लगाते हुए इसे निंदनीय कहा है। आपको बता दें कि इससे पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच होने पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि फाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होना था, अगर ऐसा होता तो टीम इंडिया मैच जीत जाती। उन्होंने आरोप लगाया था कि इस बार क्रिकेट में एक राज्य की राजनीतिक लॉबी की एंट्री हो गई है। वहीं उन्होंने मैच को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि बीजेपी बनाम ऑस्ट्रेलिया कहा था। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व कप्तान कपिल देव को ना बुलाने पर भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला था।